बाद। 5G ब्रॉडबैंड सेल्यूलर नेटवर्क के लिए पांचवी पीढ़ी का प्रौद्योगिकी मानक है, जिसे आज 1 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 शहरों में लॉन्च किया गया है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपका फोन 5G एनेबल्ड होना चाहिए। फोन की सेटिंग्स में मोबाइल नेटवर्क में जाकर 5G सेवाओं को इनेबल करना होगा। रिलायंस जियो ग्राहकों को इसके लिए नया सिम लेना पड़ेगा। वही एयरटेल के CEO गोपाल विठल के मुताबिक कंपनी के सभी ग्राहकों के सिम पहले से ही 5G सुविधा के लिए सक्षम है। तो एयरटेल वालों की बल्ले बल्ले। कंपनी के अनुसार महानगरों समेत प्रमुख शहरों में दिवाली के आसपास 5G का सिम मिलने लगेगा। दिसंबर 2023 तक देश के हर शहर में इसकी 5G सेवा शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके खर्च की। तो टेलीकॉम कंपनियां 4G और 5G के टैरिफ में ज्यादा अंतर नहीं रखेंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक 4G और 5G टैरिफ में अंतर अधिक होने पर ग्राहक 5G सेवा को अपनाने में संकोच करेंगे। अगर ग्राहक 5G सेवा को अपनाते हैं तो डेटा अधिक इस्तेमाल करेंगे, जिससे टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होगा। 5G नेटवर्क पर आपको बेहतर वॉइस क्वालिटी और कनेक्टिविटी के साथ तेज स्पीड इंटरनेट मिलेगा। 4G के मुकाबले इस पर 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। इस लॉन्चिंग के साथ भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन GSA के मुताबिक जनवरी 2021 तक 61 देशों के 144 ऑपरेटर्स ने 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। वही 131 देशों के 413 ऑपरेटर्स इसकी कोशिश में लगे हैं। मेडिकल लाइन, डिफेंस और कृषि सेक्टर में 5G की वजह से मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इस सुविधा से 3 GB डाटा की मूवी मात्रा 35 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। कोई एक कंपनी या व्यक्ति 5G का मालिक नहीं है। मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में कई कंपनियां हैं जो 5G नेटवर्क को आपके इस्तेमाल के लायक बना रही हैं। सेल्युलर फोन कंपनियों ने 2019 में दुनिया भर में इस तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। किसी भी अन्य वायरलेस सेल्युलर नेटवर्क की तरह इसमें सेवा क्षेत्र को छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें सेल कहा जाता है। सभी 5G वायरलेस डिवाइस सेल में एक स्थानीय एंटीना के माध्यम से रेडियो तरंगों द्वारा इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से जुड़े होते हैं। 5G नेटवर्क का मुख्य लाभ अधिक बैंडविड्थ और उच्च डाउनलोड गति और तेज रफ्तार से होगा। 5G टेक्नोलॉजी के बाद इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं को डाटा की हाई डेंसिटी मिलेगी, बेहतर कवरेज मिलेगा और मोबाइल उपकरणों की बैटरी भी कम खर्च होगी। अधिक बैंडविड्थ लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए सामान्य इंटरनेट सेवा देने वाले 5G नेटवर्क के उपयोग में बढ़ोतरी होगी। 5G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए 5G फोरम बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। इन फोरम पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वायरलेस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, मोबाइल हैंडसेट कंपनियां, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, विभिन्न देशों की सरकारें आपसी समन्वय और सहयोग से काम कर रही हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।